आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ज्योमेट्री का क्वेश्चन, यानी कि सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे ज्योमेट्री का। सर्कल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा होगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये 4 टाइप से है, आप देख सकते हैं, जो कि एग्जाम में बिल्कुल आए हुए हैं, जो कि SSC, व्यापम, रेलवे जितने भी परीक्षाएं होती हैं उसमें बिल्कुल यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन यानी कि वृत्त से बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वृत्त से यानी कि यहाँ पर चतुर्भुज से या चतुर्भुज का एरिया क्या है, ट्रेंगल इस एरिया, हाउ इज द ट्रेंगल, ये क्या होता है, या जीवा से पूछा जाएगा, या जीवा के बीच की दूरी क्या करे, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी से यह प्रश्न पूछा जाता है, या चतुर्भुज के वृत्त की पूरी या लंबाई पूछा जा सकता है, या उभयनिष्ठ की इसकी लंबाई ज्ञात करो, ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ये 4 तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, जो लोग एक बार देख चुके हैं उसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले जीवा होता क्या है, तो जीवा समझ लीजिएगा यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जीवा कहलाती है। उसके बाद आपका उभयनिष्ठ होता क्या है ना, तो उभयनिष्ठ में बिल्कुल वहाँ से एक नया क्वेश्चन आता ही है, साथ ही चतुर्भुज से क्वेश्चन बिल्कुल आता ही आता है। तो ये बिल्कुल ये 4 टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा जो कि एग्जाम में बिल्कुल आएगा ही आएगा, इसको छोड़कर जाना नहीं, कहीं भागिए मत, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये बिल्कुल क्वेश्चन आते ही हैं। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो समझो एक नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जीवा। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सर्कल देख लेते हैं, ये आपके पास सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल में यहाँ पर जीवा होती क्या है, तो जीवा को देखिए ध्यान से समझिएगा। जीवा जीवा यानी कि एक सर्कल है, एक सर्कल में आपके दो बिंदुओं के बीच की दूरी जीवा कहलाती है, ठीक है। दो बिंदु मान लीजिए ये ए भी है और ये भी है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी जीवा कहलाती है। और उभयनिष्ठ क्या होता है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं एक सर्कल बना है, उसी प्रकार एक और सर्कल बना है, यानी कि दो वृत्त बना है, ठीक है। उभयनिष्ठ क्या होता है, ये आपका उभयनिष्ठ है, ये ठीक है, ये आपका उभयनिष्ठ है, और यहाँ से एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये पर हो गया, ठीक है। ये आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है जीवा, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। इसके बाद उभयनिष्ठ क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, ये 4 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको पहले मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिये यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा, उसी प्रकार यहाँ से भी एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर एक, फिर यहाँ से लेंगे, फिर यहाँ से लेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या दोनों वृत्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है, या फिर ट्रेंगल से, ट्रेंगल इस एरिया, ठीक है, ये आपका ट्रेंगल हो गया यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या त्रिभुज इस एंगल एरिया, ठीक है, यानी कि त्रिभुज की क्षेत्रफल क्या हो सकती है, या दो वृत्त की क्षेत्रफल क्या हो सकती है, या फिर ये आपका उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है, इसको पी मान लेते हैं और इसको क्यू मान लेते हैं, ठीक है, ये आपका उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है, और यहाँ से ये आपका चतुर्भुज हो गया, यानी कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, या फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, या फिर यहाँ पर सर्कल यानी कि दोनों बीच की दूरी जीवा कहलाती है, या फिर ये दोनों यानी कि उभयनिष्ठ की लंबाई भी पूछ सकता है, ठीक है, यानी कि वृत्त के उभयनिष्ठ की लंबाई क्या होगी, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा एक क्वेश्चन जो कि आपके ट्रेंगल से बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं कम से 18 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, मान लीजिए दो वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं 18 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर है, साथ ही जो एक दूसरे को ए तथा बी बिंदु पर काटती है, जो ए और बी बिंदु पर काटती है, यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर हो, यानी कि उसके केंद्र के बीच की दूरी कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तथा यहाँ पर उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना, ठीक है। क्वेश्चन को बिल्कुल समझ लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये 4 टाइप के क्वेश्चन में बताऊंगा, बिल्कुल एग्जाम में आता ही आता है, तो उसको ध्यान से समझिएगा। दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये एक आपका वृत्त हो गया, उसी प्रकार एक दूसरा वृत्त हो गया, ठीक है, ये जो दो वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं क्रमशः 18 सेंटीमीटर एवं 22 सेंटीमीटर है, जो एक दूसरे को ए तथा बी बिंदु पर काटती है, यहाँ पर एक बिंदु बना लेते हैं, यहाँ पर भी एक बिंदु बना लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर जिसकी यानी कि केंद्र के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है,
यानी कि यहाँ से, ठीक है, ये आपका उभयन स्थल हो गया, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। ये पूछा गया है कि उभयन स्थल जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं ए और ये आपका बी, ठीक है, ए और बी जो आपका उभयन स्थल हो गया और ये बीच की बिंदु केंद्र हो गया, ठीक है। अब पूछा गया है कि इसके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, यानी कि उभयन स्थल की जो बीच की दूरी है ये आपका 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। और साथ ही यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी पूछा गया है, अब त्रिज्याएं मान लेते हैं, तो एक त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर त्रिभुज ऐसा बनेगा ये, ठीक है, यह आपका त्रिभुज इस प्रकार बनेगा, और यहाँ से इसको हम मान लेते हैं 18 सेंटीमीटर और इसको 22 सेंटीमीटर, ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं इसकी बेच की केंद्र की दूरी माने हैं, तो ये आपका उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है, क्या हो गया आपका, उभयनिष्ठ हो गया। अब इसके लिए जीवा पूछा गया है, यानी कि उभयनिष्ठ जीवा की ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि ए और बी की लंबाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो जीवा के लिए फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, जीवा के लिए हो जाएगा आपका, ये आपका त्रिभुज ए ओ पी, ठीक है, त्रिभुज ए ओ पी, इसको क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं, ठीक है, ए ओ पी, यानी कि त्रिभुज ए ओ पी, यहाँ पर इतना हो गया। उसके बाद केंद्र, इसको भाग करने के लिए क्या करें, केंद्र की बीच की दूरी, यानी कि केंद्र की बीच की जो दूरी होती है, यहाँ पर यहाँ से इतना और यहाँ पर इतना, तो जो केंद्र की बीच की दूरी, यानी कि केंद्र की बीच की दूरी, ठीक है, बीच की दूरी, ये यहाँ से आपका भाग करोगे, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद क्या कहता है कि सबसे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, ठीक है, इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, अर्ध परिमाप निकालेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, अर्ध परिमाप निकालने के लिए एस बराबर यहाँ पर ये कि आपको इतना 18 22 और ये कितना हो गया 20, ठीक है, 18 + 22 + 20, ठीक है, इसको दो से हम भाग कर देंगे तो आपका निकल आ जाएगा, कितना निकल आ जाएगा, 18 22 और 20 को हम करेंगे कितना आ जाएगा, 60 को दो से भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 30, ठीक है, इससे हम कैंसिल कर देते हैं। और सबसे पहले इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपको फार्मूला क्या बताया था आपको मैं, S, S-A, S-B और S-C, ठीक है, तो इसको नोट करते जाइएगा, यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा तो मैं इसको देखिए, यहाँ से आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। S के लिए हम फार्मूला निकाले थे S, S-A, S-B और S-C, ये आपके लिए फार्मूला हो गया, तो मान रख लेते हैं, तो अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आपका S के लिए मान लीजिए 30 × 12 × 8 × 10, ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, डायरेक्ट इसको तोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6 × 5 × 2 × 2 √2, ये आपका इतना आ जाएगा, और इसको और तोड़ते हैं तो आपका 120 √2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो मैं आपको बताया था ए बी का मान, ठीक है, ए बी का मान आपको बताया था, तो उसको नोट करते जाइएगा, ए बी बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए ओ पी का मान हम रखते हैं, तो त्रिभुज ए ओ पी यानी कि इसका यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 4 त्रिभुज ए ओ पी, ठीक है, तो 4 त्रिभुज ए ओ पी का मान कितना आएगा यहाँ पर आपका 120 √2, यानी कि 4 × 120 √2 इतना आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो मान आया था, यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, बीच के केंद्र की दूरी आपका 20 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर जो बीच के केंद्र की दूरी कितना आया था 20 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ से आपका माना जाएगा, इसको कैंसिल कर लेते हैं तो आ जाएगा यहाँ पर आपका 42, ठीक है, यानी कि 6 से इतना आ जाएगा, 20 × 6 = 120, यानी कि 6 × 24, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 24 √2, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी होगी, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आपका 42 √2 हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आता है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल आया हुआ प्रश्न है, और यहाँ से आप एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको छोड़ के नहीं जाना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है कि दो समान वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर है,
मान लीजिए दो समान वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर है जो कि एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है, तो उनके उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। क्या निकालना है यहाँ पर? उभयनिष्ठ पूछा गया है, इसको छोड़ के नहीं जाना है, आपके एग्जाम में बिल्कुल आता ही आता है। देखिए दो समान वृत्त की त्रिज्याएं, मान लीजिए जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि दो समान वृत्त, मान लीजिए एक वृत्त बना लेते हैं यहाँ पर, दो समान वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर है, यानी कि ये आपका उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर दो बीच की केंद्र की दूरी, यानी कि यहाँ पर मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको यहाँ पर नोट कीजिएगा, एक बड़ा वाला मैं वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। इसको बड़ा वाला बना लेते हैं, एक सर्कल, ठीक है। ये आपका एक वृत्त हो गया, फिर ये आपका एक वृत्त हो गया, यहाँ आपको उभयनिष्ठ हो गया। पूछा गया है दो समान वृत्त जिनकी त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, दो समान, एक समान हो गया ये, दूसरा समान, ठीक है। यहाँ पर केंद्र बीच की दूरी ये वाला, ठीक है, ये आपको उभयनिष्ठ हो गया। और पूछा गया है कि जीवा, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ से। अब पूछा गया है इसकी उभयनिष्ठ जीवा, तो उभयनिष्ठ आपको जीवा पूछा गया है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा आपका अंडर रूट 3R। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3R। अब वहां रख लेते हैं, तो यहाँ पर वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं, दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर है, तो 12 यानी कि R, R का मान कितना आ जाएगा आपका? R का मान यहाँ 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं अंडर रूट 3 × 12। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, सामने में लिख सकते हैं 12 अंडर रूट 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपकी क्या होगी? उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में भी आया हुआ। ये तीनों क्वेश्चन आपने पढ़ लिए तो आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा ही आएगा। एक और क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि दो वृत्त जिनके केंद्र ए और बी है, दो वृत्त मान लेते हैं, ठीक है। फिर एक दो वृत्त मान लेते हैं यहाँ पर, दो वृत्त जिनके केंद्र ए और बी जो एक दूसरे को बिंदु पी और क्यू पर काटती है, ठीक है। ए पी 12 सेंटीमीटर है। सबसे पहले यहाँ पर एक त्रिभुज मान लेते हैं, दो बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। ए और बी, ये आपका हो जाएगा ए और ये आपका बी, ठीक है। दो वृत्त जिनके केंद्र ए और बी, मान लीजिए दो वृत्त है यहाँ पर, यानी कि सर्कल है जिसका के बिंदु कितनी है, ए और बी है, यानी कि इनकी बीच की दूरी पूछा है। उसके बाद जो एक दूसरे P और Q पर काटती है, तो ये आपका यहाँ से उभयनिष्ठ हो गया, जो यहाँ पर P और Q बिंदु पर काटते हैं, ये आपको क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया ये पर काटती है AP 12 सेंटीमीटर, A से P यहाँ पर मिला लेते हैं, AP कितना है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। AP आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार क्यू भी पूछा गया, तो क्यू भी आपका 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला क्यू भी आपका कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको क्वेश्चन में जो है क्यू है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। उसी प्रकार यहाँ पर आ जाए पी क्यू पूछा गया ना, उसके बाद पी क्यू 20 सेंटीमीटर, पी से क्यू कितनी सेंटीमीटर है, ये इसका लंबाई आपका 20 सेंटीमीटर है, कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, पी एम बराबर क्यू एम, ठीक है। पी एम बराबर क्या आ जाएगा? क्यू एम आ जाएगा, ठीक है। नोट करते चलिएगा, इसके बाद क्या लिख सकते हैं? 12 माइनस 10, यानी कि देखिए यहाँ तक जो उभयनिष्ठ है, ये आपका जो बीच के केंद्र की दूरी है, ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार ये आपका बराबर हो जाएगा, यानी कि इधर से ऊपर वाला और इधर से नीचे वाला, ठीक है। यानी कि जो 20 है तो ये आपका 10 हो जाएगा, उसी प्रकार ये भी 10 और 10 20, ये आपका हाफ वाला हो गया, ठीक है। ये नाउ इज दिस क्लियर, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? दिस नाउ इज इमेज, ओके। दिस नाउ आओ यहाँ पर लिखे अंडर रूट 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे 16 माइनस 10, ठीक है। अंडर रूट यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, 16 माइनस 10 का यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा फिर से आपका इसको 12 12 144 होता है, उसी पर 10 करेंगे सब हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर? 44 आ जाएगा। प्लस उसी प्रकार ये आपका हो जाएगा, ये आपका प्लस था यहाँ से, उसी प्रकार ये आपका हो जाएगा 156 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं, 44 को निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 अंडर रूट 11 प्लस उसी प्रकार 156 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा?
टू अंडर रूट 39, ठीक है। अब ये और ये जो कॉमन है इसको निकाल लेते हैं, तो कॉमन आपका हो जाएगा, कॉमन निकल कर आएगा तो कैसे लिख सकते हैं, टू अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 39, ठीक है। या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, एक साथ लिखेंगे इसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। टू अंडर रूट 11 प्लस अंडर रूट 39, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मतलब क्वेश्चन में पूछा गया था कि दो वृत्त जिनके केंद्र ए और बी है, मान लीजिए दो वृत्त है आपका जिसे केंद्र की दूरी ए और बी है, और यहाँ पर उभयनिष्ठ आपका पी क्यू निकल कर आया है, तो यहाँ पर ए और बी की लंबाई ज्ञात करना था। तो जो आपको यहाँ पर निकल कर आ गया है, ए और बी की लंबाई कितनी है आपका, टू अंडर रूट यहाँ पर 11 प्लस अंडर रूट 39, ठीक है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर फिर से दिखाई दे रहा होगा। देखिए दो वृत्त जिनके केंद्र क्रमशः एम और एन है, देखिए दो वृत्त है जिसके केंद्र एम और एन है तथा प्रत्येक के त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है तथा एम और एन एक दूसरे की परिधि पर स्थित है। यदि यहाँ पर दूसरे को पी तथा क्यू बिंदु पर काटता है तो चतुर्भुज पी एम क्यू एन निकालना है, ठीक है। दो वृत्त मान लीजिए यहाँ पर दो वृत्त है, ये छोटा वाला एक, यहाँ पर बिल्कुल छोटा वाला, ठीक है। यहाँ पर ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया, ये आपका एम हो गया और ये आपका एन हो गया, यानी कि चतुर्भुज पूछा गया, ठीक है। ये आपका ऐसे बनेगा, चतुर्भुज से मैं आपको क्वेश्चन बताया था वैसे ही बनेगा। इसके लिए फार्मूला हो जाएगा चतुर्भुज के लिए, चतुर्भुज के लिए फार्मूला हो जाएगा आपका पी एम क्यू एन निकालना, ठीक है। पी एम क्यू एन निकालना है, ठीक है। पी एम क्यू एन निकालना है तो आपके लिए फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट 3/2 आर स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट 3/2 आर स्क्वायर, तो यहाँ पर इसके लिए हो जाएगा अंडर रूट 3/2 आर का मान कितना दिया गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 दिया गया, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर मान रख लेते हैं 8 का स्क्वायर रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हो जाएगा अंडर रूट 3। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, अंडर रूट 3/2 गुना 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो इसको फिर से कैंसिल कर देंगे, यहाँ से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, 32 × 64, ठीक है। तो 32 अंडर रूट 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 32 अंडर रूट 3, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था कि दो वृत्त जिनके क्रमशः एम और एन है, जो कि यहाँ पर प्रत्येक की त्रिज्या पर काटती है तथा एम और एन एक दूसरे की परिधि पर स्थित है, बिल्कुल यही है। ये 4 टाइप के मैं क्वेश्चन बता दिया हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करके